5G इंटरनेट द्वारा लोक मैंने विभिन्न प्रकार सुविधा पाइबे तबे विशेष भाव में स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार सुविधा ए 5G इंटरनेट द्वारा डाक्तर माने एवं रोगी माने मध्य से सुविधा पाई परिबे डाक्तर माने सेवा जोगई परिबे तो आम आलोचना करिबा मोबाइल क्लिनिक रो व्यवस्था रही गोटे स्टार्टअप आरंभ करा जाई किछि युवक मानक द्वारा किंतु या द्वारा 5G केमिति सहायक हबो एवं ए जो मोबाइल क्लिनिक उपांत अंचल रे केमिति सेवा जोगईबो से विषय आम अधिक आलोचना करिबा पहले तो आपका परिचय हाय मैं अभिषेक मेठानिया है मेरा नाम और मैं एम्बू पॉड की तरफ से हूँ और ये बेसिकली एक क्लिनिक है प्लस एम्बुलेंस है जो कि रिमोट एरिया और विलेज एरियाज़ के लिए बना हुआ है। तो इसमें जैसे गांव में आपको बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से 5 में से 1 आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसको टैकल करने के लिए ये सारा हमारा एक स्टार्टअप है, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है डॉक्टर लावण्यन के थ्रू। तो उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है कि ये एक एम्बू पॉड 8 to 10 विलेजेस कवर कर लेता है और ये जैसे कि आपके जो हाँ एक दिन में डेली बेसिस पे होगा आपका। तो जब जैसे कि आपका जो विलेज पीपल हैं वो आपके शहर में जाने से डरते हैं कि एक तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और ऊपर से उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे एक ECG हो गया आपका वो 500 से 1000 रुपीज़ तक आता है आपका एक ECG टेस्ट। तो एक तो उनका ट्रैवल एक्सपेंस भी होता है और ऊपर से अगर हम डॉक्टर्स को बोले कि वो विलेजेस में जाएं ट्रीटमेंट करें तो वो डरते हैं उससे एक फाइनेंशियल बेसिस पे। तो ये एक एम्बू पॉड है, ये 8 to 10 विलेजेस कवर करेगा आपके पहले तो, और उसके बाद आपको जो जितने भी हमारे पास 30 ट्रीटमेंट्स हैं ECG हो गया आपका, एंडोस्कोपी हो गया आपका, थर्मोस्टैट हो गया, सारे के सारे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं हमारे और इसी गाड़ी में ही अवेलेबल हैं सारे। और इसके थ्रू क्या हो सकता है कि अगर आपको एक डोर टू डोर शॉप मिलेगी सर्विस तो लोग अवेल भी करेंगे उसे और बहुत कम प्राइसेस पे होंगे। जैसे ECG आपका हो गया वो 75 रुपीज़ में हो गया विद मेडिसिन ऑल्सो एंड प्रॉपर, हाँ विद मेडिसिन एंड प्रॉपर रिपोर्ट। उड़ीसा में आपने लॉन्च किया है वो बोर्ड की तरफ से? एक्चुअली अभी ये हमारा स्टार्टअप है तो अभी हम फंडिंग्स का देख रहे हैं कि कहाँ से फंडिंग्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, कहाँ से भी आए। तो जैसे कि ये पंचायत वगैरह भी अवेल कर सकते हैं कि वो हमें ऑर्डर दें कि हमें हमारे 8 या 10 गांव हैं हमें एक एम्बू पॉड चाहिए जहाँ पे हम लोगों को सर्विस दे सकें। तो इसमें जैसे 5G का एक बेसिक फैक्टर ये है कि जैसे आपका जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी 3G पे भी चल सकती हैं, बट 5G पे क्या है जैसे आपका प्रेग्नेंट वुमेन है तो जो फीटल डॉपलर होता है उसमें आपकी लाइव इमेजिंग दिखती है, तो जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतनी अच्छी आपकी रेजोल्यूशन आएगी उसमें, तो जितना अच्छा रेजोल्यूशन आएगा डॉक्टर उसे अच्छा डायग्नोस कर पाएगा। तो उससे ये होगा कि आपका एक तो लेटेंसी नहीं आएगी, आपका लाइफ टाइम में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रीटमेंट में भी प्रिसिशन आएगा, तो जब ट्रीटमेंट में प्रिसिशन आएगा तो लोगों का वेलबींग होगा उससे। डॉक्टर भी क्लैरिटी मिल सकता है डॉक्टर को भी उससे, और क्या दवाइयाँ खानी है पेशेंट को, क्या तो करना है हमारा एक बेसिक प्लान ये है कि हम किसी भी गांव से एक एजुकेटेड बंदे को या किसी भी बंदे को हम अपॉइंट करेंगे, उसे हम पूरी ट्रेनिंग देंगे, फिर उसे हम सर्टिफिकेशन कोर्स कराएंगे, उसके बाद हम अपॉइंट करेंगे एम्बू पॉड के लिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ऊपर से आपका जो है कि वहाँ के वो लोकल लैंग्वेज जानता होगा तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा उससे, कि वो वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाएगा अच्छे से। तो इससे क्या होगा कि एक तो कॉस्ट भी कम आएगी, आपके लैंग्वेज बैरियर कम होगा, लेटेंसी कम होगी, आपका डॉक्टर किसी भी कोने में बैठा हो चाहे आउट ऑफ द कंट्री या विद इन द कंट्री कहीं पर भी बैठा हो तो वो वहाँ पर बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं आपका। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं इसमें कि जैसे ECG वगैरह हो गया, इसमें रिपोर्ट्स वगैरह होगी, तो आप जैसे उसमें वाइटल्स वगैरह भी डालेंगे तो आपके पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उनकी। एक सवाल आता है कि अगर लोगों के पास इंटरनेट है, अभी 5G का इंटरनेट मिल जाएगा लोगों को, तो लोग मतलब ये मोबाइल क्लिनिक से हेल्थ केयर भी मिल सकता है उनको, और उसके बाद उसके उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, डॉक्टर को वो सब भेज भी सकते हैं, रिपोर्ट भी भेज सकते हैं 5G नेटवर्क के स्पीड से? सर ये 3G से भी हो सकता है, 4G से भी हो सकता है, बट 5G से ये होगा आपकी बिल्कुल लेटेंसी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और जो जैसे मैंने आपको फीटल डॉपलर बताया या जो हैवी इमेजिंग वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें आपको रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होती है कि आपके जो बेबी की इमेज है वो पूरी प्रिसाइसली दिखे हाई रेजोल्यूशन में 3D 4D में। तो उससे क्या होगा कि डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस कर पाएगा जहाँ पे भी वो होगा, जूम के थ्रू कनेक्शन होगा हमारा, उसमें हम स्क्रीन शेयर करेंगे कि ऐसे बेबी की लाइव इमेजिंग आ रही है आपकी,
तो उससे वो चेक भी कर सकते हैं, जितनी अच्छी प्रिसिशन होगी वो चेक कर सकते हैं कि बेबी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं उनमें, तो उसके थ्रू वो अच्छे से आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, तो उससे मॉम की हेल्थ भी ठीक रहेगी, बेबी की हेल्थ भी ठीक रहेगी। हाँ सर, मोर्टेलिटी रेट भी ठीक रहेगा। आम आलोचना करते गोटे स्टार्टअप आम्बुबोर्ड द्वारा कराद्वारा विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य सेवा लोक मानते उपात अंचल पहुँचा जापर एवं याकु आहुरी सुगम कर 5G सेवा 5G इंटरनेट माध्यम विभिन्न प्रकार मेडिकल रिपोर्ट सीधा सड़क डाक्तरों पाखे पहुँची पार और डाक्तर से रिपोर्ट को देखिकी सठिक निर्णय नहीं पारे क्यों औषध व्यव प्रकार ट्रिटमेंट रोगी को दरकार उभय डाक्तरों पर सुविधा दब ए रोगी मानते सठिक स्वास्थ्य सेवा पहुँची पार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज।